दरोगा की अवैध वसूली, पीड़ित ने पोल खोली, सरकारी काम को दरोगा ने बना लिया था व्यापार, डराकर धमकाकर करता था अत्याचार। उसकी बातों से ऐसा लगता है नहीं था उसको न्यायालय का डर, नहीं था उसको सस्पेंड होने का डर। खुली पोल और हो गया उसका ट्रांसफर। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन खबर देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन अपडेट मिलती रहे। दरोगा द्वारा अवैध वसूली का मामला है। एक पीड़ित को डरा कर धमका कर उससे खुलेआम वसूली मांगी जा रही है। यहाँ तक कि गंदी गंदी गालियों का प्रयोग भी किया जा रहा है। जी हाँ, ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र का है। एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें कुछ लोगों द्वारा आंदोलनकारियों की जगह आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही तक बोला जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से खुलेआम लूट मची हुई है। 26 जनवरी को जब किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे तो उस समय लाल किला के पास बवाल हुआ, हंगामा हुआ। लाल किला पर कुछ तथाकथित किसान चढ़ गए, जिसको सभी मीडिया ने दिखाया, लेकिन मीडिया ने केवल 10% किसानों या तथाकथित किसानों को दिखाया, 90% उन किसानों को तो नहीं दिखाया जो आराम से ट्रैक्टर रैली निकालकर अपने आंदोलन स्थल पर वापस आ गए थे। खैर, ये तो एक चर्चा का विषय है, लेकिन इस पर एक आम आदमी की निगाह नहीं जाती है। क्या आप इसको सोचा कभी आपने कि वो 90% किसान क्या कर रहे थे? केवल 10% किसानों की बातें आपको दिखाई जा रही थी और 90% किसानों की बातें आपको पता ही नहीं। और आपने कभी सवाल किया इसके ऊपर कि वो 90% किसान कहाँ हैं, वो कैसे हैं और वो क्या कर रहे थे? क्या वो भी हुड़दंग मचा रहे थे? लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ कॉमन थी, वो कॉमन ये थी कि आम तौर पर जब हुड़दंग होता है तो उसमें दुकानों को नुकसान पहुँचाया जाता है, लोगों, आम इंसानों को भी नुकसान पहुँचा दिया जाता है। लेकिन इस घटनाक्रम में केवल पुलिस बल के ऊपर प्रहार हुआ या कुछ सरकारी बसों के ऊपर प्रहार हुआ, खैर ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ इस पे आप सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दरोगा ने तो वो काम किया है जिसकी तुलना हम पता नहीं किस चीज़ से करें। जी हाँ, उसने डरा कर धमका कर अवैध वसूली की है। पता नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीड़ित ने अपनी आवाज़ उठाई और दरोगा का ट्रांसफर हो गया। सर, हमारा मामला जो पत्नी से है, जो कि न्यायालय में पहले से ऑलरेडी चालू है, ठीक चल रहा है, और उसके बावजूद जो पत्नी है 100 नंबर को फ़ोन की और घर पर बुलाती है और पुलिस के द्वारा हमें परेशान करती है, न्यायालय में नहीं जाती है तारीख उरीख पर, और जो ये पुलिस आती है तो हमें परेशान करती है। मामला गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर गाँव का है, जहाँ संजय वर्मा का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। संजय वर्मा का केस सिविल कोर्ट में चल रहा था। कुछ दिन पूर्व संजय वर्मा की पत्नी संजय वर्मा के घर पर आती है, बवाल करती है, हंगामा करती है। संजय वर्मा ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई, लेकिन इसकी जानकारी करीमुद्दीनपुर थाना के SI योगेंद्र पाल को हो गई। योगेंद्र पाल ने संजय वर्मा को थाने पर बुलाया और बिना किसी लिखा पढ़ी के रात भर थाने पर बैठा के रखा। पैसा मांगती है, पैसा ना देने पर थाने पर ले जा करके बैठाती है, रात में थाने पर सुलाती है, बोलती है कि 10,000 रुपया दो तो इसी तरह छोड़ देंगे, 2,000 रुपया दोगे तो चालान करेंगे। जानकारी के अनुसार संजय वर्मा ने योगेंद्र पाल से कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, लेकिन योगेंद्र पाल ने संजय वर्मा को नहीं छोड़ा। योगेंद्र पाल ने संजय वर्मा से कहा कि तुम्हारा चालान होगा। संजय वर्मा ने कहा कि मेरा चालान कर दीजिए, तो योगेंद्र पाल ने कहा कि चालान करने की आवश्यकता नहीं है, तुम 10,000 रुपये दे दो। संजय वर्मा ने कहा कि आप मेरा चालान कर दीजिए, मैं अपनी जमानत करवा लूँगा, लेकिन योगेंद्र पाल ने कहा कि तुम अपनी जमानत नहीं करवा पाओगे, तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा लिखूंगा कि तुम हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं करवा पाओगे। ऑडियो क्लिप को अगर संज्ञान में लिया जाए, अगर उसकी बात की जाए, तो वहाँ पर ये साफ समझ में आता है कि योगेंद्र पाल किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पैसा ना देने के वजह से हमें 26 घंटे तक थाने में बैठाए रखे इन्हों लोग,
और उसके बावजूद पैसा ना देने के कारण मेरे पर्स से 1650 रुपये निकाल लिया गया ज़बरदस्ती, और उसके बावजूद 4 बजे शाम को चालान कटाया। 19 तारीख को हमें यहाँ से उठाए घर से 2:25 पर, और 20 तारीख को जो है 4 बजे चालान करिए, वो भी ज़बरदस्ती पॉकेट से 1650 रुपये निकालने के बाद, और ऊपर से धमकी दे रहा है दरोगा कि हमें जो है फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, उल्टा सीधा मुकदमा लिख करके पैसा दो नहीं तो हम फर्जी मुकदमे तुम्हें फंसा देंगे, जो भी विवेचना है हमारे ही हाथ में है, ऐसा विवेचना करेंगे तुम हाई कोर्ट में ज़िंदगी भर दौड़ते रह जाओगे, कभी जमानत नहीं होगी। कौन है दरोगा? योगेंद्र पाल। मतलब क्या वो सेकंड ऑफिसर है क्या कि थाना अध्यक्ष है? नहीं, थाना अध्यक्ष है, सीओ एसओ से नीचे हैं, करमदीनपुर जो है हमारा क्षेत्र जो है उन्हीं के हक में है इस समय। अच्छा, बिट के दरोगा है आपके? हाँ हाँ, हमारे क्षेत्र के हैं, तो बोल रहे हैं कि सब लेख उल्लेख हम ही करेंगे न्यायालय में, जो हमारा ही लिखा जाएगा, जो हम लिख देंगे वही लिखाएगा, पैसा अच्छे से मांग रहे हैं दे दो शराफत से, नहीं तो हम तुम्हें न्यायालय तक खींचेंगे, ऐसा उल्टा मुकदमा तुम्ही पर करके जो है फंसाएंगे फर्जीवाड़े में। दरोगा योगेंद्र पाल की सारी बातों को, जो वो पैसे की डिमांड कर रहा है, जो वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, संजय वर्मा ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और उसे वायरल कर दिया। बात करें दरोगा योगेंद्र पाल की, तो उसके द्वारा अवैध वसूली करने का ये कोई नया मामला नहीं है, उसने पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। खैर, कई सारे दरोगा ऐसे होते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन वो बातें आगे तक नहीं जा पाती, उनके ऊपर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी पुलिसकर्मी एक जैसे होते हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी अच्छा काम करते हैं जिसके लिए उन्हें इनाम मिलता है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी योगेंद्र पाल जैसे भी होते हैं जो पुलिस विभाग को बदनाम करते हैं। करीब एक साल पूर्व दरोगा योगेंद्र पाल मोहम्मदाबाद थाने में तैनात था, तब उसने अमित गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से अवैध वसूली की थी, उसे डराया धमकाया था। तब अमित गुप्ता ने इसकी शिकायत एसपी समेत डीजीपी और मुख्यमंत्री तक की थी। क्या नाम है? सर, मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है, मैं ग्राम परानपुर का रहने वाला हूँ। अमित जी, क्या मामला था? आपने डीजीपी, मुख्यमंत्री और कप्तान तक भी दौड़ते रहे। सर, मेरा मामला एक भ्रष्टाचार का था, एक दरोगा जी थे, वो खुलेआम हमसे घूस मांग रहे थे और फ़ोन पे बहुत सारी धमकियां मिली थी, चूँकि गाड़ी से पीछा भी किया गया था, जो लोग गाड़ी से पीछा कर रहे थे वो लोग अज्ञात थे। मैंने इसकी शिकायत लिखित में की है, माननीय एसपी साहब से की है, माननीय डीजीपी साहब से की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से की है, माननीय मैंने राज्यपाल जी को भी रिसीविंग लेटर जो कि मेरे पास प्राप्त हुआ कल, और चूंकि इस प्रकरण में मैं डीजीपी साहब ऑफिस गया था लखनऊ, तो वहाँ पे सीओ साहब थे कोई, वो बोले कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने सर कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ, संविधान के नियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ। तो डीजीपी साहब के ऑफिस में जो सीओ साहब थे उन्होंने अभी कहा कि ये तो दरोगा दोषी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अभी कप्तान साहब से बात करता हूं, तो माननीय कप्तान साहब से कल हमारे सामने ही बात हुई, तो बोले कि ठीक है उसका मैं ट्रांसफ़र करवा देता हूं। मैंने बोला कि श्रीमान जी इस ट्रांसफ़र से मेरा सर काम नहीं चलेगा, मैं उनसे बहुत भयभीत हूं, कभी भी मेरे जान माल को खतरा है श्रीमान जी। तो बोले कि ठीक है मैं, तब क्या चाहते हो? मैंने कहा सर संविधान के नियम के तहत जो भी कार्रवाई है सर की जाए, तो बोले कि ठीक है तब सस्पेंड करवा देता हूं, तुम जाओ यहां रुको नहीं। तो श्रीमान जी के आश्वासन पे मैं सर माननीय कप्तान साहब से आज मिला, मिलने के बाद ये बोले कि उसका तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मैंने कहा श्रीमान जी मैं ट्रांसफ़र के आश्वासन पे नहीं आया। ट्रांसफ़र क्या मतलब, जिले में किया गया कहीं बाहर किया गया है? तो मैंने श्रीमान जी से आग्रह किया, निवेदन किया, तो बोले कि ठीक है तुम ट्रांसफ़र पे नहीं मानते हो तो उसके ऊपर FIR दर्ज करता हूँ अभी। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ितों द्वारा योगेंद्र पाल को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। जब ये पूरा मामला पुलिस अधीक्षक गाजीपुर तक पहुँचा तो फिर देखिए उन्होंने क्या कहा। पुर थाना में एक दरोगा साहब हैं पाल जी, उनका जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है सर, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संदर्भ में मेरे द्वारा उनके विभागीय उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए और उस ऑडियो के परीक्षण की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद को जांच सौंप दी गई है। उनको करीमुद्दीनपुर थाने से हटा करके और अंडर ट्रांसफर थे आजमगढ़ रेंज के लिए, उसके लिए रवाना कर दिया गया है। आप भी सतर्क रहिए और जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखिए। देखते रहिए ABT News। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।